नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय डाक सेवा के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर निकाला गया है। सो यहाँ पर यार इंडियन पोस्ट ऑफिस में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस में किस पोस्ट पर जॉब आया है, जॉब का नोटिफिकेशन कैसे निकालना है, सैलरी कितना मिलेगा, कैसे अप्लाई होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आवेदन का अंतिम तिथि क्या होगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाला है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। एंड आप यहां पर भी देख सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में भारतीय डाक सेवा में भर्ती आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। 10वीं 12वीं पास के लिए जॉब होने वाला है, सैलरी आपको यहां पर अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, 18,000 से 56,000 रुपये सैलरी मिल सकता है। सो क्या करना है, बस वीडियो पर बने रहना है, वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। एंड हमें आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं, काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं। तो यार देखो, इस वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जॉब का नोटिफिकेशन निकालना है, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी क्या मिलेगा, और आवेदन का अंतिम तिथि क्या होगा, किस पोस्ट पर जॉब है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी भी एक वीडियो में मिलेगा। बस वीडियो को देखते रहना है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस का डिटेल निकालना है, भारतीय डाक सेवा का जॉब का डिटेल निकालना है, तो सबसे पहला काम यह है कि आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECH टेक JOB, इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करोगे तो यहाँ पे टॉप वेबसाइट आ जाएगा। पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हो, pixeltech12.blogspot.com, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां पे आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस के रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, जो कि आज की डेट को अपडेट किया गया है। सो आपको यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आर्टिकल आ जाएगा। इस आर्टिकल में दोस्तों आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस के रिक्रूटमेंट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगा। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो कि होने वाला है पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ, यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस ऑफ इंडिया होने वाला है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट नेम है जो कि पोस्टल असिस्टेंट का जॉब है, और यहां पर आप देख सकते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब है, पोस्टमैन का जॉब है, और यहां पर मेल गार्ड का जॉब है, मल्टी टास्किंग स्टाफ का भी जॉब है यहां पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे से करके यहां पर अलग अलग पोस्ट पर जॉब है, 5 पदों पर यहां पर भर्ती निकाला गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहां पे एवरीवन अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो यहां पे मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 27 साल यहां पे एज रखा गया है। बाकी सिलेक्शन यहां पे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। सैलरी कितना मिल सकता है, तो सैलरी यहां पे 18,000 से 81,000 रुपए तक का सैलरी मिल सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, तो यहां पे 10वीं पास भी और 12वीं पास भी अप्लाई कर पाएगा। अधिक जानकारी के लिए जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वेरीफाई करिएगा, जो कि आगे आपको मिलेगा। और बात करें दोस्तों यहां पर अगर हम लोग कि यहां पे दोस्तों एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, आवेदन शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहां पे दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जनरल के कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं, उनसे यहां पे दोस्तों 100 रुपये का फीस लगेगा आवेदन करते समय। बाकी अगर आप SC ST में आते हैं तो फ्री है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में बात करें आवेदन का अंतिम तिथि क्या होगा, तो लास्ट डेट आप देख सकते हैं 9 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट यहाँ पे 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर लेना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस में, जो कि रिक्रूटमेंट होने वाला है, पोस्टल असिस्टेंट का जॉब है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब है, पोस्टमैन का जॉब है, मेल गार्ड का जॉब है, मल्टी टास्किंग स्टाफ का जॉब है, अगर इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 दिसंबर से पहले अप्लाई कर लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालना, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल पढ़िएगा, आर्टिकल में मेन पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल को रीड करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको लिंक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको अप्लाई का लिंक, ऑफिशियल PDF फाइल का भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेरीफाई करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस का रिक्रूटमेंट जो भी आया है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग डेट कब से है यहाँ पे दिया गया है, और लास्ट डेट क्या है यहाँ पर दिया गया है, और लास्ट डेट पेमेंट का क्या है यहाँ पे दिया गया है, करेक्शन वगैरह का भी यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है, सारा डिटेल है। बाकी यहाँ पे पोस्ट का नेम है, किस किस पोस्ट पे जॉब है, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे सैलरी है, मतलब किस पोस्ट पे कितना तक का सैलरी मिल सकता है, लेवल के हिसाब से दिया गया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो एज का डिटेल यहाँ पे है,
देख सकते हैं किस पोस्ट पे कितना एज मांगा गया है। सभी पोस्ट पे लगभग सेम ही है, बट यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ पे आप देख सकते हैं 18 से 25 है, ठीक है। तो एज का डिटेल भी यहाँ से वेरीफाई करिएगा। नीचे की तरफ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल भी आप देख सकते हैं, किस किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन है जो कि आपको पढ़ लेना है। और अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का भी तरीका आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ आना है, ऐसा स्क्रोल करके नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई का डिटेल, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हाउ टू अप्लाई का डिटेल, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन मोड है अप्लाई का, और यहाँ पे लिंक भी दिया गया, ये है ऑफिशियल लिंक जिसके थ्रू आपको जाके यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे, पोस्टमैन के पोस्ट पे, मेल गार्ड के पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। बाकी ये लिंक आप यहाँ पे कॉपी करके जा सकते हो डायरेक्ट वेबसाइट पे। बाकी आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे भी यहाँ पे भी अप्लाई का लिंक मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको अपडेट कर दिया यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि यहाँ पे भारतीय डाक की सेवा की तरफ से निकाला गया है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करिएगा। कैसे क्या करना है सब कुछ मैंने बता दिया है। एंड जाते जाते जरूरी जानकारी दे दूँ, कभी भी यार अगर आपको कोई कॉल करके, मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करें, बोले हम इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं इतना पेमेंट करो डायरेक्ट जॉब लग जाएगा, या फिर कोई ओटीपी की मांग करें कि ये ओटीपी बताइए डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है। और अगर आपको यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब का डिटेल समझना है, तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको अच्छे से वेरीफाई करना है जिस पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस में, सेम प्रोसेस को फॉलो करके आपको अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।